नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इन्फो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में एज लिमिट क्या क्या रहती है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हमेशा अभ्यर्थी के मन में एक शंका बनी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए एज लिमिट क्या क्या रहती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज विभिन्न कैटेगरीज में क्या क्या एज लिमिट रहती है ये चर्चा करेंगे। तो कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि इस प्रकार की आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। चलिए आज आपको बताते हैं विभिन्न कैटेगरीज में एज लिमिट क्या क्या रहती है। सबसे पहले एज लिमिट को समझने के लिए हमें कैटेगरीज का ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। हमें कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए कि कैटेगरीज कितने प्रकार की होती हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जर्नल, या इसको यूआर श्रेणी भी कहा जा सकता है। यूआर श्रेणी अनरिजर्व यानी जर्नल श्रेणी को कहा जाता है। इसमें नॉर्मली 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु लिमिट रहती है और इसको किसी प्रकार की अपर एज लिमिट में किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। अब आइए आपको बताते हैं ओबीसी श्रेणी के बारे में। ओबीसी श्रेणी में नॉर्मली जो एज लिमिट है वो भी 18 से 25 रहती है, लेकिन इसको 3 वर्ष की अपर एज में रिलैक्सेशन मिलती है, या यूं कहिए कि कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आती है एससी और एसटी श्रेणी। एससी एसटी श्रेणी के लिए भी नॉर्मली जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 25 वर्ष रहती है और इसको 5 वर्ष की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है, या यूं भी कह सकते हैं कि एससी एसटी श्रेणी का अभ्यर्थी या कैंडिडेट 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद आती है जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, इम्पायर्ड हैंडीकैप आदि सब श्रेणियां इसमें आती हैं। तो जनरल श्रेणी में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी नॉर्मल आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष रहती है और इनको 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्राप्त होती है। इसके बाद आता है ओबीसी पर्सनल विद डिसेबिलिटी। ओबीसी श्रेणी के लोग हैं जो, और वो पर्सन विद पर्सनल डिसेबिलिटी रखते हैं, तो उनकी आयु भी नॉर्मली क्या रहती है, 18 से 25 वर्ष रहती है, लेकिन इनको 13 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है सरकार द्वारा, या यूं कह सकते हैं कि ओबीसी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 18 वर्ष से लेकर और उसके बाद वो 31 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एससी एसटी डिसेबिलिटी पर्सन के लिए भी 18 वर्ष से 25 वर्ष रहती है, लेकिन इनको ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है रिट्रेंच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज। ये कौन से एम्प्लाइज होते हैं जो रिट्रेंच, रिट्रेंच का मतलब ये होता है कि यदि वह किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लाइज है और गवर्नमेंट द्वारा वो संस्थान बंद किए जाने के बाद, संस्थान बंद किए जाने के बाद कर्मचारी को हटा दिया जाता है, उसको रिट्रेंच एम्प्लॉय कहा जाता है। और रिट्रेंच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी नॉर्मली जो एज है वो 18 से 25 वर्ष रहती है, क्योंकि वो रिट्रेंच हुआ हुआ एम्प्लॉय है, इसलिए उसको जितनी उसने सर्विस कर रखी है रिट्रेंच से होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में जो सर्विस कर रखी है वो सर्विस मिला के प्लस 3 साल और जोड़कर उसको ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। इसके बाद आती है एक्स सर्विसमैन श्रेणी। एक्स सर्विसमैन श्रेणी क्या होती है, यह तीनों हमारे देश की तीनों सेनाएं होती हैं, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना जो है, उससे जो कर्मचारी कुछ समय की सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं उनको एक्स सर्विसमैन श्रेणी कहा जाता है। और इस एक्स सर्विसमैन श्रेणी के लिए भी 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु सीमा रहती है नॉर्मली, और इनको जो ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है वो कितनी मिलती है, वो मिलती है
जितनी सर्विस उसने मिलिट्री सेवा में की है उसमें 3 वर्ष और जोड़कर उसको ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। इसके बाद एक श्रेणी है डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल इन जनरल श्रेणी। तो ये डिफेंस सेवा में जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे डिफेंस पर्सनल होते हैं और डिफेंस सर्विस के दौरान वो डिसेबल हो जाते हैं यानी अपंगता आ जाती है उनके बीच में, तो उस श्रेणी के लिए नॉर्मली आयु सीमा भी 18 से 25 वर्ष रहती है। लेकिन वो इस श्रेणी में आने के बावजूद वो 40 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद श्रेणी आती है डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल इन ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं और डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं वो, और ऐसी श्रेणी के भी डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं जो डिसेबल हैं, वो 50 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा इन लोगों के लिए 50 वर्ष रहती है। इसके बाद आती है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जनरल ओबीसी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट श्रेणी वह श्रेणी होती है जो ऑलरेडी सर्विस में कार्यरत हैं और वो किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ना किसी डिपार्टमेंट में नियुक्ति पर हैं और अभी भी अपने कार्यरत हैं। कार्यरत होने के साथ साथ ही उनको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का दर्जा प्राप्त हो जाता है और इन लोगों के लिए नॉर्मली जो आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष रहती है और इनको जनरल और ओबीसी को ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष हो जाती है, यानी या यूं कहें कि वो 40 वर्ष तक 40 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक आवेदन कर सकते हैं किसी अन्य पद पर। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए अपने डिपार्टमेंट से एनओसी भी जरूर लेना पड़ता है, तभी वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट घोषित किया जाता है और तभी उसको ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एससी एंड एसटी, जो एससी और एसटी श्रेणी से संबंध रखते हैं और अभी भी सेवा में कार्यरत हैं या अभी भी सर्विस में लगे हुए हैं, उनको 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा छूट प्रदान की जाती है, या यूं कहें कि वो 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक श्रेणी आती है दोस्तों, विडो डाइवोर्स वोमेन। ये सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है श्रेणी। इस श्रेणी में यदि कोई महिला का डाइवोर्स हो जाता है या वो विधवा हो जाती है या फिर वो जुडिशली अपने पति से अलग रहती है, जुडिशली अलग रहती है या उसने अभी तक जुडिशली अलग होने के बाद अभी तक दोबारा से शादी नहीं की है, तो उन लोगों के लिए भी ऊपरी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष में 25 वर्ष ऊपरी सीमा आयु सीमा होती है, तो वो 18 से अब 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेवा के लिए। इसके बाद आती है विडो डाइवोर्स वोमेन एंड वोमेन, ये सेम कैटेगरी होती है और जो संबंध एससी एसटी श्रेणी से रखती हैं महिलाएं और वो विधवा हैं या अपने पति से जुडिशली सेपरेट रहती हैं, तो उनकी ऊपरी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष हो जाती है, या यूं कहें कि वो 40 वर्ष तक आवेदन किसी भी पोस्ट तक फिर कर सकती हैं। इस प्रकार की ये बहुत सारी ऐसी श्रेणियां हैं जिनको आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है और आपको ये छूट प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी। कृपया इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। इसके बाद आती है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन जनरल श्रेणी। जो जनरल श्रेणी के लोग हैं और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उन्होंने मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का उनको कहीं से सर्टिफिकेट प्रदान है या वो किसी लेवल पर खेलते हैं, तो उनकी आयु सीमा में भी, ऊपरी आयु सीमा में भी उन्हें 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। और इसके बाद आती है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एससी एंड एससी, जो एससी से संबंध रखते हैं, एसटी से संबंध रखते हैं और ऊपर से वो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो उनकी ऊपरी आयु सीमा में उन्हें 10 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, या यूं कहें कि वो 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के बीच में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
ताकि हम उन कमेंट्स पे दोबारा फिर आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। इसलिए आपसे फिर एक बार फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।